आज मैं मौजूद हूँ फनकार शूज़ पर। जी हाँ, फनकार शूज़ पर हमारे बहुत ही अच्छे फनकार हैं और जितने अच्छे वो फनकार हैं उससे अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने ये फनकार शूज़ ओपन की है। इस फनकार शूज़ की क्या कहानी है, ऐसी क्या नौबत आई कि वो ये शॉप खोलने पर मजबूर हो गए, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। वालेकुम सलाम जनाब सनाए चौधरी साहब। सर कैसे हैं आप, मिजाज कैसे? जी ये बात जी, अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है, जो वक्त गुजर रहा है शुक्र है मालिक का। अच्छा, आज हम उस फनकार के पास आए हैं जो वाकई में ही फनकार है और वो एक काम में नहीं बहुत से कामों में फनकारी रखता है और मल्टी टैलेंटेड है। मुझे ज़रा बताएं, आप कितने अरसे से शोबिज़ के पेशे से वाबस्ता थे और अपनी तरफ से उन्होंने मेरी हेल्प की, फिर अपने करें कि मगर मेरा गुजारा फिर भी नहीं हो रहा था। मकान के किराया 4 महीने में 4 महीने बड़ा रहा, फिर मैंने अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से मेरे पैसे पकड़े और अपने पे लगाए और कर्जे में होता चला गया। और मैं देखता कि यार अब क्या किया जाए, मैं मुसीबत में पढ़ता मगर मीडिया यार जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद, जो मेरा अपना फ़न है ना उससे आगे लाऊं। ये मैं निजी यानी समझोगे कि छोटा सा निजी एक कारखाना है ये जो मैं दोबारा आपको नज़र आ रही है, यहाँ कारखाने की वो हर चीज़ पड़ी जहाँ से जूते तैयार होती है। तो ये फिर मैंने अपने हाथ से ये ना जूती पे तो ज़रा बाद में आएंगे, आप जरा ये बताइएगा कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे। हाँ, तो क्या पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसको लोग नहीं देखो सर? बिल्कुल स्टैंडर्ड है, मगर आप पैसे नहीं देते। देखो अपना हमारे ये जितने प्रमोटर हैं, हाँ जी, वो अपने प्रमोटर को अभी इतने पैसे नहीं मिलते। पाकिस्तान में फनकारों को उस तरह से सराहा नहीं जाता जिस तरह से सराहा जाना चाहिए। हाँ जी, नहीं उनकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं जी, कोई ज्यादा सराहा नहीं। यहाँ पे फनकार की कोई जिंदगी, फनकार को गोलियां मार दी जाती हैं, फनकार को उनको आपके सामने ही है कि क्या हो रहा है, क्या हमारे पाकिस्तान यहाँ तो फनकार की गोलियां मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आपने 35 साल आपने शोबिज़ के फील्ड में काम किया, तो आपने कितने पैसे कमाए? मेरे सर, हम तो एक्स्ट्रा हैं, हम तो हीरो हैं। अब वन मैन शो करने वाला हमें कोई 5,000 देता, कोई 10,000 देता, कोई 20 देता, कोई 25 देता। हाँ जी, महीने में एक शो आ गया, 2 महीने में एक शो आ गया, हाँ जी, 3 महीने में एक शो आ गया। अब ये शो में कैसा हम गुजारा करें? हाँ जी, जो स्टार हैं अपने स्टेज स्टार हैं वो तो बेइंतहा पैसे कमा लिए, उनको तो बुरा नहीं। कोई 8 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 6 लाख, कोई 3 लाख। अच्छा, जो उनसे नीचे ए बी सी कैटेगरी, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 15,000, उससे अब नीचे आ जाएँ वो कोई बेचारे को 6,000 मिल रहा है, कोई 5,000 मिल रहा है, कोई 10,000 मिल रहा है। ये आर्टिस्टों को कैसे गुजारा होगा? तो वो तो रोड तो आपने कभी ट्राई नहीं की आप उस जोन में चले जाएँ जहाँ पे मेगा स्टार्स या सुपर स्टार्स होते हैं और आपने उसके लिए मेहनत भी की होगी 35 साल एक बार से, तो आप उस जोन में नहीं जा सके कि आपको भी बहुत ज्यादा पैसे? हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की मगर बात है नसीबों के बगैर इंसान आगे नहीं जा। आपने 35 साल में कितने पैसे जोड़े? कोई मतलब होता है ना कि एक अमाउंट मुझे फिगर बता दे। सर कोई पैसा जोड़ा ही नहीं ना, आपके पास 1 रुपया भी? 1 रुपये मेरा बैंक बैलेंस चेक कर सकते? ओके, 1,000 रुपया 1,000 रुपया मेरी बैंक बैलेंस, 1,000 रुपया मेरी बैंक बैलेंस, मेरी नमाज है, मेरा बैंक बैलेंस मेरी नमाज है, दुआ करो कि ये मेरा बैंक बैलेंस क्या मुद्दा रहे। तो जब आप बीमार पड़ गए लॉकडाउन में या लॉकडाउन से पहले, उससे पहले आपने इजी लोड का भी काम किया? हाँ जी, ये रखा बताया कुछ नहीं सर, इजी लोड में 5,000 का बैलेंस करता था, 200 रुपये बचता था। ओके, 2 रुपये देते हैं 100 के पीछे, 2 रुपये। आप ये बताएंगे 200 रुपये बच्चे का 5,000 का लोड करेंगे तो उसमें गुजारा नहीं। मैं यार क्या करूँ, मैंने ये 25-30,000 रुपये लगा के तो मैंने देखा तो वो भी नहीं बिक रही थी, मैंने उठा के अंदर रख दी, मैं कहा यार ये शेयर कर दूँगा। बीमार पड़े तो उस दौरान में किसी ने आपको सपोर्ट किया? नहीं जी, कोई हुकूमती नहीं जी, किसी नहीं, 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 किसी ने आपके साथ कोई तावन नहीं जी, किसी ने कुछ तावन नहीं, नहीं किसी ने कोई तावन, मतलब हमारे मेरे दोस्तों ने तावन किया, हमारे मुल्क के आर्टिस्ट की, हमारी गवर्नमेंट या हमारे कोई भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं या हमारी जो कोई प्रोड्यूसर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या कल्चर मिनिस्टर है, किसी बंदे ने किसी ने हेल्प नहीं। तो मुझे जरा ये बताएं ना, जूता तैयार करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये तैयार होता है? पहले इसकी ये होती है डिजाइनिंग। okay. ये मैं फर्मे के ऊपर काटता हूँ। okay. ये फर्मे के ऊपर रखे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कहते हैं ड्रैंग। okay. ये ऐसे होती है, सही है।
काटी जा रही है सर, ये ऐसे इसको कटी जाती है, निशान लगते हैं इसके सोल के ऊपर, फिर हम क्या करते हैं फिर इसका बनाते हैं, मैं रेक्शन के ऊपर लकीरता हूँ, चमड़े के ऊपर लकीर के, तो फिर ये देखे अपर तैयार हो गए, ये अपर तैयार करके फिर मैं ये फटाफ, ये बनवर है, ये बनवर है जिससे फिर हम यहाँ निशान लगा कर जब ये फटाफ करते हैं, ये फटाफ करके फिर ये सोल है, अब इसके ऊपर हम इसे सूती लगाएंगे, फिर ये हमारा ये पेस्ट होता है डी सी, ये जो डी सी होता है सोल अपने 6000 डी सी 6000, तो ये आप फिर उसे पेटी होती है 15000 वॉट उसमें चलते हैं, फिर सोल ये गर्म होता है, फिर उसमें गर्म करके फिर हम चुकाते हैं। तो सर ये जूता तैयार करने में आपको कितना खर्चा आता है और एक जूते में से आपको कितना? मुझे जूते में से 200 भी बच सकते हैं, 300 भी बच सकते हैं, इतनी क्योंकि ये एक दिन में 3-4 जोड़े तैयार हो जाए, एक दिन में आप 3 जूते तैयार कर सकते हैं और एक जूते में से 300-400 रुपये। तो आप जैसे हमारे मुल्क में बहुत से फनकार हैं जो वो उस क्लास में नहीं जा सके जो लीड क्लास है या अपर क्लास है, जो जिनको हम सुपरस्टार कहते हैं, तो उनके भी हालात आप जैसे ही होंगे इसमें कोई शक नहीं है, तो आप अपने जैसे उन तमाम फनकारों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा भाई, सबसे पहले जो फनकारी हमारे मुल्क में होगी ख़त्म, ये फनकारी वो ही है, मैं उन फनकारों को ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे खुदारा अपने ये जो पेट हैं जो भरना चाहता ना मेहनत करके, इससे बड़ा फनकार दुनिया में कोई नहीं, उन फनकारों को ये कहूँगा जो काम जिनको 5-7-10 हज़ार रुपये पद मिलते हैं 15 दिन ड्रामे की, वो अपना काम लाजमी करें। तो आप हमारे चैनल के तवस्त से किसी मैसेज हायर अथॉरिटी को या हमारी कल्चर मिनिस्ट्री को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा सर कल्चर मिनिस्ट्री को, ये मैं कहूँगा तो पहले उसको दारा फनकारों का ध्यान रखें, ये बाहर के मालिक जो फनकार है ना, हुकूमत ने उन्हें ऐसे संभाल कर रखा हुआ कि वो क्योंकि वो एक सरमाया है उनका, वो हर मुल्क में जाके परफॉर्म करते हैं, अगला कोई तक ये कौन से मुल्क के हैं, हमारे मुल्क का सफ़ीर है, हमेशा हम ये जो फनकार एक सफ़ीर होता है, तो ये सफ़ीर को फ़कीर ना बने, यही मैं कहूँगा, फनकार छोटा हो या बड़ा, ये करोड़ों में एक फनकार होता है एक, तो ये फनकारों को बेकारी, कई लोगों ने अपने सड़कों में भीख मांगी फनकारों ने ये लॉकडाउन में, वो फनकार बेचारा छोटा था बड़ा क्या, वो हमारा भाई फनकार भाई फनकार तो भाई बात, हमें मुझे हमें तकलीफ हुई कि गले में रोटियां बांध कर ये जल से जुलूस निकाले, तो ये यार की इससे बड़ी क्या होगी फनकारों के साथ। मुझे ये भी आइडिया है कि आप मिस्टर बीन बहुत अच्छा बनते हैं, तो मिस्टर बीन की कोई एक एक्टिंग मुझे आप थोड़ी सी करके दिखाएं। करते हैं मिस्टर बीन के जी, इस वक्त 3 फेस है मिस्टर बीन के, और एक फेस सोचने के गुस्से का और एक खुशी का, जब खुशी का आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आया कि जैसे एक मिसाल मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन ये सोच रहा है, अब गुस्से में आ गया, अब ये खुशी में अगर मुकम्मल मिस्टर बीन आपको नजर आ रहा है, ओ आ मिस्टर बीन दीदी तारा रा दीदी दा ओ थैंक यू ओके पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू।